Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। इमरान खान विपक्ष पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए सामने आए हैं। वहीं विपक्ष इमरान के दावे को खोखला करार दे रहा है। इमरान खान ने अपने देश को संबोधित करते हुए ये सीधा आरोप लगाया है कि अमेरिका उनके खिलाफ है क्योंकि वो उनके प्यादे नहीं बने। अमेरिका के कहने पर ही ये सारा सियासी बखेड़ा पाकिस्तान में खड़ा हुआ है। इमरान खान का कहना है कि अमेरिका को मुझसे दिक्कत है और दूसरे दलों या नेताओं से नहीं। अमेरिका ने रिश्ते खत्म करने की धमकी दी। इमरान ने कहा है कि बाहरी लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि रूस जाने का फैसला हमारा अकेले का नहीं था, मेरे रूस जाने से अमेरिका नाराज हो गया। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट को तलब करने का फैसला लिया है। पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए उनके समर्थक नेता भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के खिलाफ भी बयानबाजी खूब हो रही है। मंत्री फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बेहद खास मकसद से बुलाई गई थी। हम विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहते थे कि इमरान खान की सत्ता को हटाने के लिए बाहर से कोशिशें की जा रही हैं। इतना कहने के बाद चौधरी ने भारत का जिक्र कर दिया और कहते हैं वो कि हम जानते हैं कि कौन इस खेल में खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है और उनके भारत और इसराइल के साथ किस तरह के संबंध हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे सियासी संकट को इमरान और उनकी पार्टी एक विदेशी एजेंडा करार देना चाहती है जिससे वो अपनी सरकार बचा पाए। वहीं इमरान खान ने अपने देश को संबोधित करते हुए कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार भारत के खिलाफ तब बोला जब भारत ने कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानून को 5 अगस्त 2019 को तोड़ा। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर भारत से मतभेद है। 370 हटने से पहले तक मैंने कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोला है। इमरान का कहना है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली पहले दिन से ही उन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जो पाकिस्तान के लोगों के लिए हो। पाकिस्तान के लोगों के लिए का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से दुश्मनी कर ले, लेकिन इमरान के इस इमोशनल अत्याचार का भी अब फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि पूरा सियासी समीकरण इमरान के खिलाफ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होते ही इमरान खान का पैदल होना भी अब तय नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।